अब हम लोग करेंगे क्लास 5 और नवोदय सैनिक प्रिपरेशन के लिए फ्रैक्शन नंबर में ही आता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना, ठीक है। तो मान लेते हैं दो नंबर है, ठीक है, एक नंबर है एक्स, फ्रैक्शन में ही है, एक्स अपॉन कुछ होगा, वाई अपॉन कुछ होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में ही है, एक्स वाई फ्रैक्शन में है। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है, जो चीज हमें निकालना है, अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट होगा उसका एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर वाले पार्ट का एलसीएम और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एचसीएफ, ठीक है, न्यूमरेटर वाले पार्ट का एलसीएम, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले पार्ट का एचसीएफ, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम। फिर से सुनना, जब भी फ्रैक्शन में नंबर है और हमें एलसीएम निकालना हो, ठीक है, ऊपर वाले नंबर का क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकालना है ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम, ठीक है, समझ गए ये बात, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3/8, 5/12, 9/16। सबसे पहले इस तीनों नंबर का मान लो एलसीएम हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे किसका, ऊपर वाले पार्ट का, 3, 5 और 9 का, क्या एलसीएम निकालना है ना, ऊपर वाले का एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ किसका, नीचे वाले का, 8, 12 और 16, समझ गए। अब निकाल के देखो एलसीएम एचसीएफ साइड में, तो 3, 5, 9 का एलसीएम निकालो, 3, 5, 9 का एलसीएम किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3, 3 जा 9, अब किससे डिवाइड होगा, किसी से नहीं होगा, 5, 3 रहने दो और ये 3 से, अब मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 3 × 5 × 3 कितना आ जाएगा, 5, 3 जा 15, 15, 3 जा 45, ठीक है, एलसीएम क्या आ गया, 45 लिख दिए। अब क्या निकालना है, ये आ गया क्या चीज, एलसीएम। अब नीचे वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड, 8, 12 और 16 था, 8 से इसको डिवाइड किया, क्या आएगा, 8 − 4, अब 4 से किसको डिवाइड, 8 को, 4 × 2 = 8 डिवाइड हो गया, ये नंबर 4 बचा के ला, फिर इस 4 से किसको डिवाइड करेंगे, अगले नेक्स्ट नंबर क्या है, 16, 12 को तो कर ही दिए डिवाइड, 16, 4, 4 = 16, इधर वाला ही आंसर होता है, एचसीएफ कितना आ गया, कितना है एचसीएफ, 4, तो ये इसका एचसीएफ क्या होगा, 4, जब भी हमें इस नंबर का एलसीएम निकालना है क्या होगा, 45/4, समझ गए बात, हमें एलसीएम निकालना था तो क्या किया, इसका ऐसा ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लिए, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लिए, ठीक है। अब इसी नंबर का हमें बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, अब यहां देखो एक पार्ट ये हो गया और हमें इसी पार्ट नंबर का एचसीएफ निकालना, क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF, HCF ऑफ किसका, 3, 5 और 9, और नीचे वाले के लिए क्या करेंगे, LCM ऑफ किसका, 8, 12 और 16, ये समझ पा रहे हैं। अब ऊपर वाले का HCF निकालो, ऊपर वाले का HCF, तो देखो 3 और 5, 9 का HCF क्या हुआ, 3 से 5 को डिवाइड किए तो 1 × 3 = 2 आ गया, 3 से डिवाइड किए कितना आएगा, 1 × 2 कितना, 1 से 2 को डिवाइड किए कितना आएगा, 2, ठीक है, ये कितना आ गया, 1, फिर 1 से फिर अगर नेक्स्ट नंबर क्या है, 9, इसको डिवाइड करो, 1, 9 = 9, क्या क्या आ गया, HCF 1 आ गया, ऊपर वाले का HCF 1 अपॉन में LCM निकालना है किसका, 8, 12 और 16 का, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालो, क्या होगा, 4 से डिवाइड करो, 4 × 2 = 8, 4, 3 = 12, 4, 4 = 16, अब किससे, 2 से डिवाइड करो, 2 = ये, अब सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा,
फोर मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24 24 2 जा 48 ये हो गया 48। देख लीजिए एलसीएम आ गया 45.4, एचसीएफ क्या आ गया 1/48। तो हम लोग क्या किए कि अगर एलसीएम निकालना है और नंबर कैसा कैसा हो, फ्रैक्शन में हो, ऊपर वाले में क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं। समझ में आ गया ये चीज, इसको नोट कर लीजिए, ये अच्छा सा है, ठीक है, ध्यान रखना है, नोट कीजिए।